Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution Channel. Friends, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है और कमेंट करने वाले जो हमारे स्पेक्टेटर हैं उनका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रेम दास नाम है इनका. इन्होंने ये पूछा है कि ये MS Access में पासवर्ड नहीं लगाना चाहते. मैंने एक वीडियो पासवर्ड पे भी बना रखा है, तो इन्हें पासवर्ड नहीं लगाना है. MS Access के जो फाइल है उस पर पासवर्ड नहीं लगाना है और ये एडिटिंग नहीं होने देना चाहते हैं अपने फाइल में. जो भी फाइल इन्होंने MS Access पे बनाई है इसमें ये एडिटिंग नहीं होने देना चाहते हैं और जब इन्हें जरूरत हो तो एडिटिंग करना भी चाहते हैं. तो इन्हीं के सवाल पर पेश है आज का वीडियो. तो चलिए आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले मैं MS Access की फाइल को ओपन करूंगा. ये मेरे पास डेटाबेस 2 नाम से एक फाइल है, इसको ओपन करता हूं मैं. और यहां पे देखिए ये सारे रिकॉर्ड इसमें लिखे पड़े हुए हैं. अब हमें करना क्या है, करना ये है हमें कि हम इसमें क्या लगाएंगे, रीड ओनली की परमिशन लगाएंगे. कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं. सबसे पहले मैं MS Access को ओपन करता हूं. यहां से ओपन कर लिया. अब हमें जाना है यहां से ओपन पे. चले गए हम ओपन पे. हमारे फाइल का नाम है डेटाबेस 2, तो डेटाबेस 2 हम ओपन करते हैं. डेटाबेस 2 यहां मैंने लिखा और यहां पे डेटाबेस 2 आ गया है, देखिए ये. और यहां ओपन पे जा करके आपको करना है इसको रीड ओनली. अगर आप रीड ओनली बनाना चाहते हैं तो फिलहाल मैं अभी इसको रीड ओनली नहीं करता हूं, ठीक है. इसको जैसे है वैसे ही मैं इसको ओपन करता हूं. तो ये ओपन हो चुका है. अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहां पे सचिन लिखा हुआ है, मैं इसके नेम को चेंज कर देता हूं. जैसे मैं यहां सचिन की जगह सौरभ लिखता हूं, SAURABH सौरभ लिख दिया हमने. तो देखिए अभी ये एडिटिंग हो पा रही है. यहां पे लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ है, यहां मैं लिखता हूं वर्मा. अभी देखिए हम एडिटिंग कर पा रहे हैं इसमें. यहां पे नीरज लिखा हुआ है, शर्मा लिखता हूं. तो अभी हम एडिटिंग कर पा रहे हैं. हम चाहते हैं कि एडिटिंग ना कर पाए तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे ऑफिस बटन पे, ठीक है. और ऑफिस बटन पे जा करके हमें कहां जाना है, ओपन पे जाना है, ठीक है. अब चूंकि हमारी फाइल ऑलरेडी खुली हुई है, पहले मैं इसको सेव कर देता हूं. सेव कर दिया हमने. सेव करने के बाद इसको बंद कर दीजिए यहां से और फिर दोबारा से इसको कर लीजिए ओपन. तो अभी हमें डेटाबेस 2 वाली फाइल को ओपन करना है. तो अब हमें कहां जाना है, यहां से ओपन किया हमने और ओपन करने के बाद हमें आना है यहां पे और ओपन पे क्लिक करना है. ओपन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहां सर्च कीजिए डेटाबेस 2, तो डेटाबेस 2 यहां पे आपको मिल जाएगा. ये देखिए ये रहा डेटाबेस 2 और यहां लिखा हुआ है ओपन, यहां पर जाना है आपको और इसको बना दीजिए आप ओपन रीड ओनली. आपको दिख रहा होगा ये ओपन रीड ओनली भी बना सकते हैं आप, तो यहां बना दीजिए ओपन रीड ओनली, ठीक है. अब हम देखेंगे कि रीड ओनली बनाने से हुआ क्या. ये माई लिस्ट नाम से था, तो ये माई लिस्ट, अब ये यहां पे माई लिस्ट नाम से आ चुका है. अब हम इसमें एडिटिंग करके देखते हैं. यहां पे देखिए मैं इसमें इसको मिटाने की कोशिश करता हूं या यहां कुछ लिखने की कोशिश करता हूं, तो यहां पे मैं कुछ भी राइट नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है. तो ये रीड ओनली बन गई पहली बात, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, इसको रीड ओनली से अगर हमें एडिटिंग करनी हो तब क्या करेंगे. जैसे ये सारी लाइनों में हमने सेकेंड नेम नहीं दिया है, तो ये सेकेंड नेम हमें देना है, तो कैसे देंगे. तो देने के लिए आप क्या करिए ना, कि इसको जो है ये रीड ओनली लिखा हुआ है इसको आप कर दीजिए यहां से सेव एज, ठीक है. चलिए सेव एज करते हैं और यस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है. तो ये अब इसके नाम में कुछ चेंज करता हूं मैं यहां पे लिखता हूं फैन, एक्सेस फैन लिख देता हूं मैं, एक्सेस फैन के नाम से इसे सेव करता हूं, ठीक है. अब इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूं इस बार, ठीक है. यहां से डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हमने, ठीक है. और एक्सेस फैन नाम से ये सेव हो गया डेस्कटॉप पे, ठीक है. अब इसको मैं क्लोज करता हूं. अब मैं दोबारा से इसी को ओपन करता हूं. यहां पे देखिए एक्सेस फैन नाम से ये सेव हो गया है. अब इसको जब मैं ओपन करूंगा, और यही माई लिस्ट वाली फाइल है, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो अब यहां देखिए मैं लिखता हूं हेमंत कुमार. तो ये देखिए यहां पर कुमार हम लिख पा रहे हैं. अब सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ हैं, लेकिन ये वो वाले सीईओ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये कोई और है. तो यहां पे हम एडिटिंग कर पा रहे हैं, ठीक है. तो इस तरीके से हम एडिटिंग कर पाएंगे. अगर मान लीजिए एडिटिंग को रोकना है हमें, फिर तो इसको सेव कर दीजिए पहले. आप सेव कर दिया, अब आप कट कर दीजिए पूरे फाइल को. यहां से कट कर दिया हमने. कट करने के बाद आप आ जाइए वापिस MS Access पे
और फिर आ जाइए यहां पर ओपन पर, ओपन पे आ गए, हमारी जो फाइल है वो किस नाम से सेव है, एक्सेस, क्या नाम है फाइल का, यहां पे देखिए हमने सेव कर रखा है, ये है एक्सेस फैन, ठीक है। तो एक्सेस फैन हमें यहां टाइप करना है, ओपन में जाके यहां टाइप करता हूं मैं एक्सेस फैन एफ ए एन, ठीक है, और इसको हम करेंगे ओपन और यहां कर देंगे ओपन रीड ओनली, ठीक है। तो पहले यहां से डेस्कटॉप पे जाना होगा क्योंकि डेस्कटॉप पे ही ये फाइल मौजूद है। अब ओपन पे जाएंगे और रीड ओनली पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक ए डबल सी ई डबल एस एफ ए एन एक्सेस फैन, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब यहां पे आप आइए और यहां पे इसको रीड ओनली बना दीजिए। अब इस माय लिस्ट को मैं वापस से खोलने की कोशिश करता हूं, ये खोल चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं इसमें कुछ चेंजिंग करना। अब ये माय लिस्ट क्वेरी यहां से है, ठीक है, और यहां से माय लिस्ट है। तो अब मैं चाहता हूं ना कि ये जो पटना है, पटना ये हटाना चाहता हूं, या फिर ये न्यू कॉलोनी जो एड्रेस लिखा हुआ है इसको मैं हटाना चाहता हूं। तो यहां से मैं कितना भी बैक स्पेस की दबाऊं मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूं, आप देख सकते हैं इसको। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से आप रीड ओनली, अब फिर रीड ओनली हटाना है इसको, तो फिर आप सेव एज पे क्लिक कीजिए और यस पे क्लिक कीजिए और इसको जहां भी आप सेव करना चाहते हैं, एक्सेस फैन वन के नाम से ये सेव हो रहा है, आप चाहे जो भी नाम दे सकते हैं, इसको सेव कर दीजिए। अब एक्सेस फैन वन के नाम से ये सेव हो चुका है। अब हम वापस जाएंगे एमएस एक्सेस में, अब हम देखेंगे कि जो हमने सेव किया था फाइल जिसका नाम एक्सेस वन था, एक्सेस फैन वन, ठीक है, अब इसको एंटर करके खोल लेते हैं हम। तो देखिए अभी चेंजिंग कर पा रहे हैं, देख सकते हैं आप। फिर मैं आपको दिखाता हूं कि पासवर्ड जो कि हमने एडिटिंग को प्रिवेंट किया था वो कैसे हमने किया था। अब देखिए यहां पे आप जाइएगा, ठीक है, अभी पहले आपको इसको बंद कर देना है, क्या नाम है फाइल का, एक्सेस फैन वन, अभी आप इसको बंद कर दीजिए, बंद कर दिया। अब फिर एमएस एक्सेस को ओपन कर लीजिए और यहां जाइए ओपन पर जाइए, ठीक है, आपकी जो ये सेव की है आपने वो जहां भी हो, ठीक है, आपको वहां से उसको उठाना है, एक्सेस फैन वन के नाम से आपकी फाइल थी, अब इसको वहीं से आप उठा लीजिए। ये देखिए मेरे ख्याल से ये डेस्कटॉप पे सेव हुई है, यस डेस्कटॉप पे हुई है, तो डेस्कटॉप पे ये मिलेगी। तो यहाँ जा करके आप ओपन पे जाइए और डेस्कटॉप से इसे उठा लीजिए, यहाँ पे है, इसको ओपन कर लिया हमने। और अब हमें इसको देखिए, ये अभी अभी हम इसमें एडिटिंग कर पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये मैं मिटा पा रहा हूँ, इसको सौरभ लिखना है हमें, तो आर ए बी एच लिख देता हूँ। अब इसको हमें वापस से प्रोटेक्ट करना है, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, देखिए ये जो हमने सेव किया है ना यही है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जाएंगे एम एस एक्सेस में, ओपन करेंगे इसको और यहाँ पर आकर के ओपन पर क्लिक किया हमने और यहाँ पर हमें करना है फैन एक्सेस फैन वन, एक्सेस फैन वन, ठीक है, एफ हो गया है, एफ हटा दीजिए आप, ठीक है, इस पर क्लिक कर दीजिए और ओपन पे जा करके आप इसको रीड ओनली कर दीजिए। अब ये खुल चुका है, आप देख सकते हैं, माय लिस्ट पे हमें क्लिक करना है। अब मैं चाहता हूँ इसको मिटाना, अगर तो यहाँ से देखिए ये मिट नहीं रहा है। तो आई होप कि आपको ये बात जरूर समझ में आई होगी कि ये किस प्रकार से हो रहा है, और जब आप चाहेंगे एडिटिंग कर भी पाएंगे, और अगर आपको हटाना होगा तो आप सेव एज पर क्लिक कर दीजिए और इसकी लोकेशन चेंज कर दीजिए या इसका नाम चेंज कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। अब ये 11 के नाम से सेव हो रहा है, तो सी में ही सेव हो रहा है, सी ड्राइव में, इसको ओपन, अब मैंने इसको वापस से कर दिया, तो ये अब जब ओपन करूँगा मैं तो इसमें हम एडिटिंग कर पाएंगे। जैसे अब यहाँ पर मैं लिखूँगा सुरेश, तो देखिए मैं सुरेश लिख पा रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।